Assalamu alaikum students, how are you all? Today we are going to start our science book of 2 class. 1 class mein bhi aap logon ne science padhi hogi aur bahut interesting hamari book hai, bahut maze ke hain isme sare units. Sabse pehla unit hamara hai the human body. Isi tarah ka unit aap logon ne class 1 mein bhi padha tha. Aap sabko pata hai ki aapki body mein different parts hote hain और हर पार्ट का एक नेम होता है और हर पार्ट की अपनी अपनी जॉब्स होती हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास आइज़ हैं, नोज़ है, ईयर है. आइज़ से आप देख सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं, नोज़ से स्मेल कर सकते हैं और अब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो भी डिफरेंट साइज़ के होते हैं. आपके घर में आपकी मामा भी हैं, बाबा भी हैं. यकीनन मामा का जो कद है वो आपसे बड़ा होगा, मामा टॉल हैं, आप शॉर्ट हैं. लेकिन जितनी बॉडी पार्ट्स मामा के हैं उतने ही आपके हैं. मामा के भी टू हैंड्स हैं, आपके भी टू हैंड्स हैं. मामा के भी टू आइज़ हैं, आपके भी टू आइज़ हैं. तो इस तरह हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सेम होते हैं लेकिन साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकता है. इसी तरह कोई मोटा होता है, कोई जो है वो वीक होता है, लेकिन बॉडी पार्ट्स सबके सेम होते हैं. और जब हम हेल्दी फूड्स लेते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, हेल्दी वाले जो होते हैं वो खाते हैं, तो फिर हम अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं. और ये भी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारी ग्रो करती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं. चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट. यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी. सबसे पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं जो हम क्लास 1 में पढ़ चुके हैं. देयर आर नेम्स फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं सबका कोई ना कोई नेम होता है. पीपल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और हर इंसान एक दूसरे से अलग नज़र आता है, तभी हमें पता चलता है कि ये अली है और ये बुशरा है. हर एक का फेस जो है वो डिफरेंट होता है. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. चिल्ड्रन ग्रो इंटू एडल्ट. पहले छोटे बच्चे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं. वी नीड फूड टू ग्रो. और हमें बड़े होने के लिए क्या चीज़ चाहिए? फूड. वी कैन मूव इन डिफरेंट वेज. हम मुख्तलिफ तरह से मूव कर सकते हैं. वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस. और ये भी हमने पढ़ा था कि हम अपनी दुनिया को देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन्स यूज़ करते हैं. और कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास? हाउ मैनी सेंसेज वी हैव? 5 सेंसेज. साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. और इन सारे सेंसेस के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स भी मौजूद हैं. साइट किस ऑर्गन से करते हैं? आई से. स्मेल किस ऑर्गन से करते हैं? नोज से. हेयरिंग किस ऑर्गन से करते हैं? ईयर से. टेस्ट किस ऑर्गन से करते हैं? टंग से. और टच किस ऑर्गन से करते हैं? हम अपनी स्किन से. अब इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं. योर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स. हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब अलग अलग जॉब्स परफॉर्म करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम आई से देखते हैं, नोज से देख नहीं सकते. नोज से हम स्मेल करते हैं तो ईयर से स्मेल नहीं कर सकते. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स विद विच वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे पास जो सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी वर्ल्ड को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं दोबारा देख लेते हैं. आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ह्यूमन बॉडी वेरीज इन साइज एंड शेप. ह्यूमन बॉडी का जो साइज़ और शेप होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है. पीपल कैन बी टॉल और शॉर्ट, वीक और स्ट्रॉन्ग. कुछ लोग लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कुछ मोटे होते हैं और कुछ वीक होते हैं. बट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स. लेकिन जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सब ह्यूमन बींग्स के कैसे होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं. Our bodies have many parts. हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं वो अभी हम देखते हैं. सबसे फर्स्ट वन है बोन्स. इसकी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ये हम दे सकते हैं
कि आपके घर में आपकी मामा चिकन बनाती होंगी, खाया है ना सबने। तो जो चिकन हम खा लेते हैं वो तो है हमारे पास मसल्स, और जो सख्त वाली चीज़ हम फेंक देते हैं उसको कहते हैं बोन्स। आप अपनी बॉडी में महसूस कर सकते हैं, अपने हैंड को टच करके देखिए, आपके हैंड में आपको सख्त सख्त चीज़ नज़र आ रही है, महसूस हो रही है, वो क्या है? आपकी बोन्स। तो हमारी बॉडी के जो सख्त पार्ट है, जो सख्त हिस्सा है, जो हम चिकन में खाते हुए फेंक देते हैं, उसको बोन कहते हैं। और हमारी पूरी बॉडी में बोन्स जो हैं वो फैली हुई हैं, और ये सारी बोन्स जब मिल जाती हैं तो ये मिलकर क्या बना लेती हैं? हमारा स्केलेटन। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई घर वगैरह बनते हुए देखा होगा, जब छत डाली जाती है तो छत में आपने देखा होगा पहले जो है वो सीमेंट सीमेंट डालने से पहले वो सरिये डालते हैं, और सरिये डाल के उसको पहले जो है वो एक फ्रेम सा बना लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो है वो सीमेंट की फिलिंग की जाती है ताकि छत मज़बूत हो जाए और गिर ना पड़े। सेम इसी तरह हमारी पूरी बॉडी के अंदर सरिये की जगह पर अल्लाह ताला ने बोन्स जो हैं वो डाली हुई हैं, और उसके बाद उन बोन्स के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मसल्स जो हैं वो चढ़ाए हुए हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल सही तौर पर खड़ी हो सके और कामकाज करने के काबिल हो सके। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना होती तो हम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन। आपकी बॉडी की जब सारी बोन्स मिल जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? स्केलेटन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ ए स्केलेटन, तो आप उसको सिंपलेस्ट वे में कैसे बता सकते हैं? द फ्रेम ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड स्केलेटन। मेरे साथ रीड करें, द फ्रेम ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड स्केलेटन। ये हम दो तीन दफ़ा रीड करेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। द फ्रेम ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड स्केलेटन। ठीक है, ये सब बच्चों ने याद कर लेना है। अब स्केलेटन का काम क्या है, वो हमें किस किस चीज़ में हेल्प करता है? अ स्केलेटन हेल्प्स अस टू स्टैंड अपराइट एंड गिव्स शेप टू द बॉडी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्केलेटन जो है वो हमें सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन नहीं होगा, सिर्फ मसल्स होंगे, तो हमारी बॉडी कभी भी सीधी खड़े हो नहीं हो सकती। एवरी टाइम वी वॉक, जब भी हम वॉक करते हैं, चलते हैं, सिट ऑन अ चेयर, चेयर पर बैठते हैं, और बेंड या मुड़ते हैं, वी आर यूजिंग आवर बोन्स। तो हम हर वक्त अपनी बोन्स को यूज़ कर होते हैं। अब जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं, तो वो भी देख लेते हैं। व्हेन वी बिकम एन एडल्ट, जब हम बड़े हो जाते हैं, वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स। हाउ मेनी बोन्स वी हैव? 206 बोन्स। ठीक है, यहाँ तक आप सबने याद कर लेना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात।